आरबी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर कल देर शाम हुए हमले में पूरे देश भर में आक्रोश है। चंद्रशेखर आजाद पर हुए इस हमले के बाद भीम आरबी के कार्यकर्ता और देश भर के विपक्षी पार्टियों के नेता भी काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। देश भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि जब विपक्षी नेताओं पर इस तरीके से हमले किए जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष बचेगा कहां। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता जो कि उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते उन लोगों पर लगातार इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। इनके अंदर मुख्यमंत्री से लेकर कई सारे बड़े कद्दावर नेता भी शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जो लिखा है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी पर जानलेवा हमले की खबर अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। परम परमात्मा से चंद्रशेखर आजाद जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। ये आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता कॉमरेड अमरा राम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, साथियों आज उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का जानलेवा हमले की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि चंद्रशेखर पर जानलेवा हमले करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तो यानी कि देश भर से अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया बयान है वो सामने आ रहे हैं। उसी बीच हेमंत सोरेन और कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता अमरा राम ने भी आपको बता दें कि अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करके चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मिलेंगे इस नए अपडेटों के साथ, अब तक आप लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।